हमिन कर मारे लुटा था कई के हमिन विरोध करती थी तब एखन हमिन रह सलाह करके गांव कर लड़का मन के कि फोटो मन के उखड़ा के फेंका और का झंडा के गाड़ा ला कि देवी माय में नहीं होवे ला झंडा। देवी माय में का झंडा हो लगो सालू कपड़ा हो लगो सफेद कपड़ा हो आ केकरो गछल रह तो हरा झंडा दे दो ना छोटे को वो देवा नहीं है तो का झंडा के गाड़ दे है तो। और हमारे छोटा नागपुर एरिया में जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सालू कपड़ा जो सफेद और लाल रंग के होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और उसी से पूजा होती है। यहाँ अगर बत्ती तक नहीं जलता है तो फिर बजरंगबली का झंडा तो बिल्कुल गलत है और बजरंगबली का एक अलग स्थान है भाई, आप उसको मड़ई में आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ चुनरी या बजरंगबली का झंडा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पाहन जो पूजा करते हैं वो धुवन से पूजा करते हैं, वो अगरबत्ती नहीं जलाते हैं और ये आदिवासी समाज का परंपरा है। कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि भाई आपका मड़ई को हम लोग अच्छा से बना देंगे और चंदा उंदा करके, लेकिन ये लोग मड़ई नहीं बना के इसका स्वरूप को चेंज कर दिया गया और किसी धार्मिक का प्रतीक चिन्ह वो भी लगा दिया गया, जो गांव वालों को बाद में समझ में आई तो इन लोगों को नागवार लगा और आज उस प्रतीक चिन्ह को हटाने का इन लोग निर्णय लिया। झारखंड जब अलग हुआ था तो उसमें प्रमुख कारण यह भी था कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी परंपरा अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनके धार्मिक स्थल अलग है, लेकिन इस हय को अब थय बनाने की कोशिश हो रही है। सुंदरीकरण के नाम पे आपका सरना स्थल कब मंदिर बन जाएगा, आपका मड़ई कब देवी मंडप बन जाएगा, आपको बिल्कुल खबर नहीं होगा, जैसे राजधानी रांची के बजरा के लोगों को पता नहीं चला। फिलहाल अभी हम बजरा में है और बजरा का ये बरियातू मौजा है और गाँव है कुंभा टोली और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऊपर में ये देवी मंडप लिखा गया है। फिलहाल ये मड़ई है, मैं कई सारे वीडियो में ये बोल चुकी हूँ कि मड़ई और मंडप अलग है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो उनका मड़ई होता है, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पर यहाँ पे इनके धार्मिक स्थल को लूटने की तैयारी हो रही है, छीनने की तैयारी हो रही है, कह ले तो अतिक्रमण की तैयारी हो रही है। फिलहाल क्या है माजरा आपको बता देते हैं, पिछले महीने या डेढ़ महीने पहले इस मड़ई में यहाँ के जो गैर आदिवासी है यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे कलश यात्रा का, जिसे गांव वालों ने मना किया था, लिखा पड़ी हुई थी और दोनों पक्ष की तरफ से समझौता हुआ था कि दोबारा इस तरह का हिंदूकरण का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन कल फिर इस तरह का काम हुआ है। मैं आपको पोस्टर के माध्यम से दिखाऊंगी लेकिन अभी पढ़ के बता दे रही हूँ कि कल क्या होने वाला था। फिलहाल कल 26 तारीख को यहाँ एक भजन कीर्तन का कार्यक्रम था और ये सामूहिक भजन कार्यक्रम करवा रहे थे श्री पहाड़ी मंदिर रांची भोले की फौज द्वारा और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू युवाओं से एक अपील, साइंस के साथ सनातन भी जरूरी है, लेकिन शायद साइंस के साथ सनातन को दिखाते दिखाते यहाँ पे आदिवासियों के धार्मिक स्थल को लूटने की तैयारी चल रही है। फिलहाल कल ग्रामीण यहाँ पर आए और बाहर में जो टाइल्स लगे हुए थे जहाँ पे स्वास्तिक था और कुछ कुछ देवी देवताओं के यहाँ पर चित्र लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। आज फिर यहाँ पे गांव के लोग आए हैं, साथ में क्या सामाजिक संगठन के लोग आए हैं जो विरोध कर रहे हैं मड़ई के लूटने की। फिलहाल यह जो जमीन है ये किनकी है वो भी हम बता देते हैं, जो यहाँ जिन्होंने जमीन को दान में दिया है उनसे बातचीत करते हैं। बाबा ये तोर जमीन हो? हाँ, हाँ। डालो राव कर। अच्छा के हो? हाँ, बेटा हम आप बाप है की? अच्छा तो ये किकर मड़ई हो? मड़ई सबको पब्लिक कर। अच्छा गांव वाला के? हाँ गांव वाला के। अच्छा तो कहाँ कहाँ बन जाओ ये सब? आदिवासी मन कर। आदिवासी मन कर सोभे को। अच्छा तो ये कहाँ कहाँ बन जाओ ती बजरंग बली कर झंडा लग जाओ? ये अलग अलग थी प्रोग्राम निकलो थे कहाँ कर बुढ़ाप दिन तो इन विरोध नहीं कराला? विरोध करता है दक्षिण मन है अपन ऐसी करे लागल है। हाँ। का कर कमजोर के तो कोई कुछ नहीं कह सके ना। तो इन कब से या तो इन कर मड़ाई हो? हम इन कर पैदा नहर से गए, पैदा इतना ऊपर से गए, वो गच के हम लगा ही हो
ईटा से घेर रही हो बता पूरा एकदम हाल जो तो बाप मने ईटा से हम सब घेर रही हो। तो कहा मड़ई में बजरंग बली कर झंडा लगौला हुआ देती चुनरी लगौला नहीं हा? नहीं नहीं बेटी छुआ में शादी होला है तो वहाँ हमीन आप बेटी मरिया पूजा पाठ करके चल जाबा मेला में बलि चढ़ाई ला कोई गछ ले तो चढ़ाई ला पहान अगर अलग तो पहान या पूजा करे ला बता दो। तो यहाँ अथी पहान पूजा करो ला कि पंडित पूजा करो पंडित नहीं पहान पूजा करो ला पहान पूजा करो ला पहान पूजा करो ला। फिलहाल ये बाबा की ही इनके जो परिवार वाले थे जो पूर्वज थे उन्होंने जमीन को दान में दिया था मड़ई के लिए और देखिए आज इनका सुदृढ़ीकरण के नाम से किस तरह से इनका स्वरूप बदल गया है। फिलहाल जो अगवागण आए हैं उनसे बातचीत करते हैं फिर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। फिलहाल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष कुंद्रा सिंह मुंडा जी हैं। हम लोग क्या ऐसा देखे हैं मैडम कि मड़ई लुटा रहा है मंडप हो जा रहा है सरना मंदिर का स्वरूप ले जा रहा है मतलब आदिवासियत किस ओर जा रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है क्या मान रहे हैं? बिल्कुल ये अतिक्रमण है और हम लोग कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो मड़ई स्थल है ये आदिवासियों का ये प्राचीन अपना पुजारी स्थल है और इसमें शुरू से ही पहान पूजा करते आए हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई सुंदरीकरण नहीं होता है ना ही टाइल्स मार्बल लगता है ना ही इसके ऊपर कोई गुंबद होते हैं इसका स्वरूप ही अलग होता है। आप मड़ई के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ कोई आकृति नहीं होता है वहाँ बस मिट्टी का जो है टीला बना हुआ रहता है मिट्टी का उसमें स्वरूप दिया हुआ रहता है जो 7 या 9 उसमें संख्या होते हैं उनके और एक अलग तरह का त्रिशूल होता है। ये जो अभी का जो त्रिशूल बनता है वो त्रिशूल नहीं और वो आदिकाल से है ये आज का नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी कि मड़ई स्थल पे जहाँ हमारा देवी मड़ई होता है वहाँ चुनरी बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता ना ही नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ तो चुनरी है नारियल है बजरंगबली का झंडा है कि ये मड़ई रहा कि मंडप हो गया है? नहीं ये बिल्कुल गलत है और गलत हो रहा है। यहाँ हम लोग शुरू से जो देखते आए हैं ये हमारे पूर्वजों ने जो बताया है और हमारे छोटा नागपुर एरिया में जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सालू कपड़ा जो सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और उसी से पूजा होती है। यहाँ अगर बत्ती तक नहीं जलता है तो फिर बजरंगबली का झंडा तो बिल्कुल गलत है और बजरंगबली का एक अलग स्थान है भाई आप उसको मड़ई में आप नहीं जोड़ सकते हैं तो फिर यहाँ चुनरी या बजरंगबली का झंडा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पहान जो पूजा करते हैं वो धुवन से पूजा करते हैं वो अगरबत्ती नहीं जलाते हैं और ये आदिवासी समाज का परंपरा है। सबसे बड़ी बात एक मैं कहना चाहूँगी देखिए पूजा करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है अगर आस्था है आप पूजा कर सकते हैं अगर हम ही अगर किसी मंदिर में जाएंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता है मेरा आस्था है या कोई दूसरे धार्मिक स्थलों में चले जाएंगे माता टेकेंगे तो वहाँ हमको कोई मना नहीं कर सकता है मेरा आस्था है या मेरा उस जगह से मेरा कोई अपना रिश्ता रहा होगा तो उस कारण से पूजा करने के लिए किसी को मना ही नहीं। लेकिन आप चाहेंगे कि मेरे अनुरूप पूजा हो तो ये गलत है और यहाँ ताला भी नहीं लगना चाहिए हम अपने देवी देवताओं क्या यहाँ ताला लगता है? बिल्कुल आप देख लीजिए अभी भी कैमरा घुमा के देखिए वहाँ ताला लटका हुआ है गेट पे और मड़ई स्थल या हमारे जो आदिवासियों के जो पूजा स्थल है उस पर ताला हम लोग कभी नहीं लगाते हैं। अभी जो पहले के समय में आप अभी भी जो गांव की तरफ आप जाइएगा सुदूर एरिया में तो वहां देखिएगा बस 4 पुटा लगा के ऊपर में खपड़ा का छपरी है और नीचे मड़ई स्थल है। तो जानवरों से बचाने के लिए चलिए सुरक्षा से अभी लोग घेराबंदी कर देते हैं लेकिन उसका स्वरूप चेंज नहीं करना चाहिए और किसी भी आकृति का फोटो नहीं रहना चाहिए। हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग धरती की पूजा करते हैं और धरती ही हमारी देवी माँ है कोई स्वरूप नहीं है कोई सरस्वती दुर्गा या काली नहीं है हम लोग धरती को अपना देवी मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं और इसका स्वरूप बदलने की कोशिश ना करें अन्यथा एक हम लोग को अलग से आंदोलन करना पड़ेगा अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि
हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सरना स्थलों पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि सरना स्थल पे जाना है, हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाना है, मगर लोग अपने मड़ई स्थल को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण बाहरियों का अतिक्रमण यहाँ होता जा रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो मूलवासी हैं, है ना, आदिवासी छोड़ के जो मूलवासी हैं, जो मूल झारखंडी हैं, उन्हें भी पता है कि हमारा मड़ई स्थल का क्या महत्व है। तो वो सनातनी ये सनातनी वाले धर्म लेकर इसकी प्रकृति को चेंज ना करें और पूजा पाठ के लिए किसी को कोई मनाही नहीं होगी। बिल्कुल, फिलहाल नयनतारा मैडम जी हमारे साथ हैं, बजरा इलाके की हैं और जैसे इनको खबर हुई गाँव वालों के साथ आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। क्या कहेंगे मैडम, स्वरूप ही बदल गया है, आप लोग तो मूल स्वरूप को देखे भी होंगे पहले, आप इसी इलाके के हैं, क्या लगता है कि आज आदिवासी का धार्मिक स्थल भी लूटा जा रहा है? बिल्कुल, ये तो पूरा मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है, लेकिन हमारा जो मड़ई होता था वो बिल्कुल इससे मतलब भिन्न था। और हमारे मड़ई में कभी भी मतलब जो अभी कुंदर सिंह जी ने कहा कि कभी भी ताला नहीं लगता, यहाँ मैं देख रही हूँ कि अंदर में एक कैमरा लगा हुआ है, फिर बहुत तरह से बहुत उसको चेंज किया गया है। तो ये चीज़ हमारे मड़ई में कभी नहीं हुआ था। हमारे मड़ई में वो जो पिंडा होता था उसके ऊपर त्रिशूल रहता था, वो भी बहुत पुराना और वो थोड़ा अलग तरह का त्रिशूल होता था। और वहाँ पर हमारी जैसे कभी चुनरी नहीं चढ़ाई जाती थी, कभी नारियल नहीं चढ़ाया जाता था, और यहाँ पर कभी भी किसी मतलब हमारे पहाड़ी पूजा करते थे। तो ये सब चीज़ को इसको तो पूरा मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। तो जो हमारे जो हमारा मड़ई है, जो हमारा अपना अस्तित्व है, उसको हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि बरकरार रहे और किसी को भी पूजा करने की मतलब मनाही नहीं है, लेकिन वो हमारे जो स्वरूप है उसको उसी के हिसाब से करें और वो अपना कुछ ना करें, क्योंकि हम लोग जा कर के मंदिर में अपनी तरह से नहीं कर सकते हैं, मतलब जो हमारा है उसको हम लोग वहाँ नहीं लागू कर सकते, जैसे मंदिर में करते वैसे ही करते हैं ना। तो मड़ाई में भी मूल स्वरूप के अनुसार पूजा करें और आस्था ईश्वर में है, किसी को मनाही नहीं है, लेकिन इस पर छेड़छाड़ ना करें, बस यही कहना है हमारा। बिल्कुल, दादा लोग से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे दादा, आप भी यहाँ के लोकल हैं, नज़र के सामने यहाँ पे चीज़ें बदल जा रही हैं, क्या कहेंगे, आदिवासियों में एकजुटता नहीं है, डर है बाहरियों से, क्या कहेंगे? हमारे आदिवासी समाज बहुत भोला भाला है और भोला भाला होने के नाते कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि भाई आपका मड़ई को हम लोग अच्छा से बना देंगे और चंदा उंदा करके, लेकिन ये लोग मड़ई नहीं बना के इसका स्वरूप को चेंज कर दिया गया और किसी धार्मिक का प्रतीक चिन्ह वो भी लगा दिया गया, जो गांव वालों को बाद में समझ में आई तो इन लोगों को नागवार लगा और आज उस प्रतीक चिन्ह को हटाने का ये लोग निर्णय लिया और सभी समुदाय के लोग बैठ के एक सामूहिक निर्णय लिया गया था कि हम लोग आप लोग गांव वाला जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं, तो उसी को ये लोग अलग करने लगा। लेकिन जब देखा कि गांव वाला लोग एक महीना रुक गया 15 दिन, तब यहाँ कुछ और धार्मिक अनुष्ठान करने का सोचा, तब इन लोग को लगा कि नहीं, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो हमारा मड़ई हमारा हाथ से निकल जाएगा। और अच्छा ये बताइए दादा कि अगर जो दूसरे समाज के लोग हैं इस मड़ई के लिए चंदा दिए हैं, कई बार हम भी दूसरे समाज को चंदा देते हैं, हम तो अधिकार लेने नहीं जाते, ये आदिवासी समाज तो अधिकार लेने नहीं जाता, फिर इस तरह से अधिकार पे फिर क्यों? ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र है, हम लोग भी बहुत सारे सभी धर्मों से आस्था रखते हैं और चंदा भी देते हैं और यहाँ चंदा देने के नाम पर एक षड्यंत्र के तहत अपना प्रतीक चिन्ह को प्रत्यारोपण कर देना, ये बिल्कुल आदिवासी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल, यहाँ पे देव कुमार दाबी आए हैं, जहाँ भी आदिवासियों की समस्याएं होती है, जमीन की हो या धार्मिक आस्था की बात हो, देव कुमार दा हमेशा रहते। दादा क्या कहेंगे, चंदा के नाम पर मंदिर के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ हो गया? हाँ, ये तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि हमारा अगर इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो हर गांव में मड़ई होता है और उसमें सब लोग मिलकर हम लोग पूजा करते हैं, सावन का जो सप्तमी दिन है उसमें हम लोग वो बलि चढ़ाते हैं
और पूरे गांव में उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो निश्चित है कि मड़ई को भी एक मंदिर का रूप जो है देने का प्रयास हो रहा है। तो इसी का गांव वाले लोगों को समझ में आया कि भाई मड़ई को जो है मंदिर का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसी में लोगों ने निश्चित रूप से आगे आया है। और उसमें चूंकि मड़ई का स्वरूप अलग होता है, मंदिर का स्वरूप अलग होता है, चर्च का स्वरूप, मस्जिद का अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो हमारा तो निवेदन, चाहे कोई भी हो, उससे ये हम कहेंगे कि भाई किसी भी आस्था और उसकी पहचान को मिटाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी समुदाय को। हम अच्छी बात है कि आपको सहयोग आपने किया है, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप मड़ई का स्वरूप को ही बदल दें। तो हम लोग भी इसके पक्ष में हैं कि किसी भी कीमत पर हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, इसको हम लोग नहीं मिटने देंगे। उसी के तहत ही हम लोगों को जब खबर मिला तो हम लोग यहाँ आए हैं और इसको मूल स्वरूप में जो गांव का जो स्वरूप होता है, गांव के हमारा जो मड़ई का जो मूल स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में लाने का जो है प्रयास जो है होगा, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन। अच्छा दादा, बाहर से एक बात दिखाइएगा, बाहर से अगर हम इस मड़ई को देखेंगे तो कि ये कैसा स्वरूप लग रहा है, मड़ई लग रहा है कि मंदिर लग रहा है? निश्चित रूप से इसमें एक साजिश के तहत इसको मंदिर का रूप तो दिया ही गया है, लेकिन आप हम लोग निश्चित रूप से तो जो भी उस तरह का रूप देने का प्रयास किया गया है, तो हम लोग उसको निश्चित रूप से उस पहचान को ख़त्म कर अपना मड़ई के रूप में ही लाने का जो है लड़के लोग या गांव वाला लोग पूर्ण रूप से इसमें आपत्ति करके आज उनको सुधारने का जो है, अब देख रहे होंगे सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें कहीं स्वास्तिक चिन्ह लगा दिया, कहीं घंटी लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, तो उससे लोगों को बहुत आपत्ति है। और देख रहे हैं कि सब लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजक नहीं है ना, हम तो प्राकृतिक पूजक हैं, हमारा भगवान ही है धरती, सूरज, चांद, पेड़, जल, हम उसको पूजा करते हैं लोगों, लेकिन हमको किसी ना किसी रूप में हमको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि ये लोग हिंदू बन जाए, इस तरह का लोग प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जो अगवागण थे उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण है, जो महिलाएं काफी संख्या में आई है, मड़ई भी आती है बहुत पूजा करने, बातचीत करते हैं उनसे। दीदी, इतना महीना से यहाँ काम चल रहा है, मड़ई मंदिर बनने जा रहा है, बन भी गया, कहाँ थे आप लोग? हम लोग यहीं थे, ये पता नहीं, हम लोग सोच रहे कि सुंदरीकरण हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं ना है, सभी कोई आ सकते हैं, ये सोच के हम लोग कुछ भी नहीं बोले अभी तक। तो ये हम लोग तो ये नहीं सोचे थे कि मंदिर के रूप में ले गए, ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे, मड़ई तो मड़ई तक ना रहेगा, यही हम लोग उम्मीद लेके रहे थे, लेकिन ऐसा होगा उसको आगे नहीं जाने थे, इसलिए हम लोग ऐसा बोल तो नहीं रहे थे। अच्छा, यहाँ आप लोग यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ पे चुनरी लगल है, उसके बाद यहाँ बजरंग बली का झंडा लगा, बहुत कुछ बदल गया है, तब भी विरोध नहीं किया आप लोग? अरे किए, विरोध हुआ था, बात बहुत बड़ी हो गया था, लेकिन आदमी यहाँ मान ही नहीं रहा, फिर जैसे झंडा लगता था यहाँ हटा देता था, फिर वहाँ अपना झंडा हनुमान वाला झंडा गाड़ देता था, यही होते रहता था। किसका झंडा हटा देता था? ये बजरंग बली वाला, अरे ये सरना झंडा हटा देता था, यही बात हो रहा था, या होना तो नहीं चाहिए, सरना झंडा हटा के बजरंग बली का झंडा झंडा लगा देता था, तो वैसा नहीं होना चाहिए, झंडा लगाया तो दोनों का ही, अगर दोनों का लगाएगा, जब यहाँ गांव वाला गांव ही देवता है तो गांव ही देवता कहीं ना, आगे जब से शुरू से आया है झंडा, यहाँ भगवान झंडा वाला नहीं लग रहा तो कहे लगेगा, नहीं ना लगना चाहिए। अच्छा, हम लोग सुने हैं कि जो दूसरे लोग हैं जो मंदिर बना रहे हैं, वो लोग चंदा देता था और चंदा देते देते आज अधिकार जमाने लगा, सही बात है? अब चंदा देता था? हाँ, नहीं हम लोग में उतना हमको पता नहीं है, पर जो क्या बोलेंगे, हम लोग का जो सरना धर्म वाले लोग, मतलब ये चीज शुरू से पहले नीचे था ना, उसको हम लोग इकट्ठा मतलब जमा होके मीटिंग बैठा या उसको ऊपर करेंगे, कहा कि हम लोग चंदा उंदा जो भी जिसका जितना हुआ, जो सखा 50-100 जो दिया, पर हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसा इसका मतलब बना देगा, हम लोग तो बोले थे मतलब सिंपल से ही कर देगा, ऐसा सोचे तो, पर इसका तो जिस नहीं तरह का बना दे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए।
चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आते हैं मड़ई में? हाँ हाँ, दशहरा में आए थे तो देख रहे हैं कि एकदम पूरा सा देख रहे हैं, उजड़ पजार पहले जैसा नहीं है। बोले कि अब तो ऐसा नहीं रहना चाहिए मड़ई में, पहले पूरी तो पूरी देखबे निकाल रहे हैं, शुरू बनल के बाद में दशहरा में आए थे फिर जा कर रहे हैं। अच्छा, तो विरोध का ही नहीं किए? नहीं बोले, अकेले से बोल रहे हैं। हाँ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, आदिवासियों को जब देख लिया जाता है कि सीधे साधे हैं, विरोध नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह से काम आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या नाम हो माए? अमर कुमारी। अच्छा, तो ये मड़ई हो कि मंडप हो, मंदिर हो, का हो? ये तो पहले तो रहे ये देवी माए। देवी मड़प रहो, अब यहाँ ऐसा कर दिल करके कि कह रंग कर फोटो भी दे दिल कर नक्शा भी दे दिल तो अभी तो न मड़ो नहीं हो, का मन बना दिल मड़प मंडप। हाँ मंडप, तो ये सियर हो गलो हमने कर कुंभा टोली कर, तो यहाँ नामे निशाना नहीं हो। देवी माए ने भी तो को पांच को ढेला ढेला रहो उके भी नहीं लगाया, तो शैम्पू ले खाली त्रिशूल गाड़ दे हतो, खाली त्रिशूल गाड़ दे हतून, तो पुरखा से चल आ रहे से चीज कहाँ गल। अब उके बनाया के मने रहती हमें अनपढ़ गंवर, ना लिखल के जान ली ना फोटो के देख ली। अब का कर ले यार, एखनी शम सिंह राय के यार का सुंदरीकरण बना देती, तो कौन जगह देवी माए ने अथी हो उद्घाटन, वो तो गांव के रक्षा करे वाला है कहे से के मने ऐसा करुआ हथिन करने। अब कोई है नेता पेता है कि का है से के, अब हम गांव वाला कैसे जानब। अब लिखल पढ़ल रहते से जन जानते, हमने आऊ आदमी का जान। तो इनकर मड़े लुटा था तो तुहिन विरोध नहीं करा था? हम इनकर मड़े लुटा था कई के हम इन विरोध करती, तब एखन हम इन रह सलाह करके गांव कर लड़का मन के कि फोटो मन के उखड़ा के फेंका और का झंडा के गाड़ा ला, देवी माए में नहीं होवे ला झंडा। देवी माए में का झंडा हो, एगो सालू कपड़ा हो, एगो सफेद कपड़ा हो ला, आ केकरो गछल रहे तो हरा झंडा दे दे छोटे को दे हिया, तो का झंडा के गाड़ दे तुलर मंदिर ने जे को अथी रहे ला। हमें हाँ हमें पोतनी माटी कर चबूतरा अथी बनाई ला ढेला, और यहाँ तो ढेला मने हम इन कर न कहे, हम इन का के पूजा करब, वो तो लोहार नियर अथी त्रिशूल तो खे हम इन करब। हम इनकर गाँव पतई खुट्टी बीत गए से हम इनके कोनो नहीं कर रहे, अब एखन तो हियाँ अथी रम रम कर दे हो तो के दे तो झटका, गली कोचा खोजे नहीं जाता, ये तो बस्ती वाला के ना झटका देता हो, बस्ती वाला के झटका देता हो, और जो पहान है को से के झटका देता हो। ईसन ईसन रंग कर करुआ दिल थीन है, अभी जगन में तो हमीन से नहीं हो थे, तब ने हमीन तोहनी के हमीन बुलाए मंगाही कि चला अरे छुआ पुता, हम इनकर राज दुनिया ऐसा हो थे, हम इनकर धर्म अड्डा ऐसा हो थे सी कि हमने सुधराब। एखन इतना कमियाँ लगल थीन, ई करल थीन, कत थूक फेंकल, कत चप्पल कूदल, उ हम इनके नहीं देते झटका देवी माए, वो तो देवे जुन करते कि कने जाने कर कमियाँ के खोजे जाते हो, वो गाँवे वाला के नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे आस्था भी बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों की जो आस्था थी, पुरानी आस्था थी कि पहले का क्या स्वरूप था, अभी क्या स्वरूप हो गया है, तो लोग यहाँ पे थोड़े से निराश है कि मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल्स लगे हुए थे, टाइल्स को अब बदल दिया, तोड़ के हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे टाइल्स में स्वास्तिक बना हुआ था, देवी देवताओं के यहाँ पे तस्वीर लगे हुए थे, उसको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और इसके जो मूल स्वरूप था उसमें लाया जा रहा है। फिलहाल हम मड़ई के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग अब बदलेंगे, जो कुंभा टोली के लोग हैं ये बदलेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये देखिए ये नया नया त्रिशूल यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी बदलने की कोशिश हो रही थी जिसे गाँव वालों ने रोका है और इस कोने में अभी फिलहाल जमा करके रखा
रखा है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में, यहाँ पर देखिए घंटी बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ पे फिर से घंटी बना हुआ था जिसे अभी हटा दिया गया है, और यहाँ पे भी स्वास्तिक है, घंटी है। इस तरह से आप पूरे यहाँ पर देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ पे मड़ई में यहाँ पे लगा दिया गया है, जो यहाँ के गाँव वालों को नागवार लग रहा है। लग रहा है कि शायद ये हमारी असल में मड़ई नहीं है। फिलहाल जो यहाँ के ग्रामीण है जो बोल रहे हैं कि हम भी गए ऐसे मड़ई गए हैं, जहाँ पे मिट्टी का टीला होता है, 3, 5, 7 टीला होता है, लेकिन जो अभी जो माता जी यहाँ पे दरवाजे पे बैठी थी उन्होंने बताया कि वो टीला भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे त्रिशूल लगा दिया गया है, जो मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप मड़ई में वो मिट्टी का टीला हुआ करता था, जो यहाँ पर नहीं है। जिसका दुख उनको हो रहा है कि शायद यहाँ पे लोगों ने इनको मंदिर बनाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो सरना झंडा जो गांव वाले बोल रहे हैं कि हटा देते हैं, आप देखिए यहाँ पे किस तरह से सरना झंडा को फेंक दिया गया है बाउंड्री के इस तरफ। पीछे भी देख सकते हैं, अभी तो बच्चा लोग यहाँ पे नया लगाया है, ये पुराना वाला सरना झंडा है जिसे लोग यहाँ पे फेंक दिए हैं। और यहाँ पे ग्रामीण जो थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो घंटी लगा हुआ था, जो स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ था, उन सारी चीज़ों को कल ही हटा दिया गया है। और मूल स्वरूप यहाँ पे देखिए सरना झंडा को किस तरह से यहाँ पे ठूस के रखा गया है, मतलब छिपाने की कोशिश हो रही है कि भाई अब ये आदिवासियों का नहीं है, अब यहाँ पे हिंदूकरण स्थापित हो गया है, ये हिंदुओं का देवी मंडप है। तो फिलहाल देर से ही सही, लेकिन बजरा के लोग अब जग गए हैं, बजरा कुंभ टोली के लोग जग गए हैं, और अब यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले जो जहाँ पे हम चुप थे, अब हम बोलना शुरू किए हैं, तो चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। यहाँ पे देखिए सब तरफ सरना झंडा लगा दिया गया है, जैसा पहले लगा दिया गया था। यहाँ पे जो मूल स्वरूप था वही अब स्थापित किया जाएगा। और ये देखिए सिर्फ बजरा की बात नहीं है, इससे पहले हमने नगरी की भी एक कहानी आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ कम्बड़ आई, अब मंदिर बनते जा रहे हैं। ऐसे लगातार हम आपको तस्वीर और स्टोरी दिखा रहे हैं कि किस तरह आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर भी छिनताई हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है, और जो यहाँ पर हिंदूकरण की बात आ रही है वो उभर कर सामने आ रही है, और किस तरह से आदिवासियों के धार्मिक स्थल को कुचला जा रहा है, उनकी आस्था को कुचला जा रहा है, उनका जो एक लगाव होता है अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उनको किस तरह से दबाया जा रहा है हिंदूकरण और सुंदरीकरण के नाम पर। फिलहाल हम हैं इस बजरा गांव में, आज लोगों ने बैठक की है, कई सारे लोग आए हैं, और ग्रामीण यहाँ पे मिल के यहाँ के जो मूल स्वरूप है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यह दूसरी कोशिश थी कि यहाँ पे लोग यहाँ पे कभी भजन करने आ रहे हैं तो कभी कलश यात्रा निकाल रही है, दूसरी कोशिश को बजरा के लोगों ने नाकाम किया है, और अब ये कोशिश होगी कि दोबारा इस तरह का कोई भी काम दूसरे समाज के द्वारा ना हो। फिलहाल मैं आपको मूल कारण बता दे रही हूँ कि इसे सुंदरीकरण के नाम पर चंदा किया गया था, ग्रामीणों ने भी चंदा किया था और कुछ अगल बगल के लोगों ने भी चंदा दिया था, और चंदा के नाम पर यहाँ पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है, और वही चंदा का ये स्वरूप आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आज मड़ई मंदिर बन गया। फिलहाल हम हैं इस बजरा मड़ई में, कोशिश करेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जो हार रहेगा।